हे व्हाट्सअप गाइस, कल काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपने ओवाई डाटा देखकर पोजीशन कैसे बनाई थी, आपको कैसे पता चला कि मार्केट का मोमेंटम डाउन होने वाला है। तो आज मैं पूरा ओवाई डाटा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। काफी सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर ओवाई डाटा के ऊपर वीडियो बनाइए, किस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं कि बायर्स की पोजिशन ज्यादा है या फिर सेलर की पोजिशन ज्यादा है। तो आज इस वीडियो में लाइव आप देख सकते हो, मार्केट अभी चालू है, तो लाइव वीडियो में आपको सिखाने की कोशिश करूंगा कि ओवाई डाटा देखकर पता लगा सकते हो कि मार्केट का मोमेंटम किस तरफ हो सकता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट एक स्ट्रक्चर में चल रहा है, एक चैनल में चल रहा है, ठीक है। मार्केट का ट्रेंड तो ओवरऑल डाउन ही हमें देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम पे अगर 5 मिनट के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, नीचे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, और अभी के टाइम पे यहाँ पर सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। सेम एज आपको ओवाई डाटा किस तरह से देखना है, जैसे मार्केट 9:15 पे यहाँ पर शुरू होता है तो आपको हर 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ओवाई डाटा आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पर गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर आपको यहाँ पर ट्रेडिंग टिक एक वेबसाइट आती है, बिल्कुल फ्री में आप इसे यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग टिक के वेबसाइट पे आप इस तरह से ओवाई डाटा बिल्कुल देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर ओवाई डाटा देखना नहीं आता तो आप सिंपल से यहाँ पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि लाइव यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, लाइव ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लाइव ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो हर 5 मिनट के अंदर यहाँ पर ओवाई डाटा चेंज होता है। यहाँ पर देख सकते हो चेंज ओवाई एक ऑप्शन आता है, यहाँ पर आपको कॉल और पुट दोनों की पोजिशन आपको देखने को मिलती है। अगर यहाँ पर कॉल राइटर की पोजिशन ज्यादा रहा यानी कि सेलर की पोजिशन ज्यादा होती है, और पुट राइटर की पोजिशन यानी कि बायर्स, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पर ऑप्शन सेलर के नजरे से इस डाटा को देखा जाता है, ना कि ऑप्शन बायर के। ऑप्शन सेलर मार्केट को ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन बायर्स यहाँ पर कोई भी अपना पोजिशन जो बनाते हैं, ऑप्शन चेन का जो डाटा आता है ऑप्शन सेलर से आता है, ऑप्शन बायर से बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सेलर अगर ज्यादा रहा, ठीक है, ऑप्शन सेलर का अगर कॉल राइटिंग ज्यादा रहा तो मार्केट नीचे जाने के काफी ज्यादा चांस है। ऑप्शन सेलर अगर बायर्स की पोजीशन ज्यादा रही तो मार्केट ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कॉल राइटर अभी 77 लाख के आसपास अभी कॉल राइटर, और पुट राइटर अगर आप देखोगे तो 126 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। और टोटल ओवाई भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें कॉल राइटर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप इंट्राडे आज के दिन अभी के टाइम पे अगर आपको पता करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा तो यहाँ पर आपको सिर्फ चेंज ओवाई देखना होता है। चेंज ओवाई हमें बता रहा है कि 113 लाख यहाँ पर हमें बायर्स देखने को मिल रहे हैं और 80 लाख यहाँ पर हमें सेलर देखने को मिल रहे हैं, यानी कि मार्केट में बायर्स की पोजिशन काफी ज्यादा है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि किस स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट, ये ओवरऑल ये पूरा का पूरा ओवाई डाटा का यहाँ पर आपको ओवाई डाटा दिया गया है, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस के अगर सॉरी किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के अगर आपको ओवाई डाटा देखना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। जैसे कि अभी 24,000 के जो स्ट्राइक प्राइस है, जो मार्केट अभी जिस यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, जैसे कि 24,000 के आसपास अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो इसी पोजीशन पे 24,000 पे मार्केट में बायर से या फिर सेलर है, क्योंकि 24,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, बार बार मार्केट उसी पॉइंट पर आकर नीचे आएगा या फिर यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहां पर मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूं, 24,000 के स्ट्राइक प्राइस पे आपको देखना है कि हर 5 मिनट के अंदर यहाँ पर पोजिशन कौन बना रहा है। अगर बायर से अपनी पोजिशन बनाएंगे तो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, और सेलर अगर अपनी पोजिशन बनाएंगे तो मार्केट को नीचे ले आने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपल से ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे आ जाना है, और जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको लाइव को यहाँ पर आपको अनक्लिक कर देना है, और टाइम फ्रेम को आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ ले आना है, ठीक है। यहाँ पर आपको रिप्ले पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 9:35 अभी टाइम हुआ है, 9:50 55 मिनट, ठीक है। अभी 9:35 पे आपको देखना है कि 24,000 के जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर बायर्स की पोजिशन बढ़ रही है या फिर घट रही है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो 9:35 पे अगर आप देखोगे तो दोनों की पोजीशन ऑलमोस्ट सेम हमें देखने को मिली, 60 लाख के आसपास दोनों की पोजीशन है। अब यहाँ पर जो भी अपनी पोजीशन बढ़ाएगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम को बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो कि अभी बायर्स की पोजिशन बढ़ने लगी है, सेलर के यहाँ पर सेम एज 16 लाख के आसपास हमें देखने को मिल रही। अब फिर अगर हमने यहाँ पर थोड़ा और टाइम फ्रेम को बढ़ा दिया तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से बायर्स अपनी पोजिशन बढ़ा रहे, और अभी लाइव अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो लाइव पोजीशन आप यहाँ पर देख सकते हो 78 लाख के आसपास अभी बायर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी कि एक टाइम पे दोनों की पोजीशन सेम थी और बायर्स की पोजीशन ऑलमोस्ट कम थी सेलर से,
यहाँ पर ये बायर्स की पोजीशन कम थी सेलर से, लेकिन अभी के टाइम पे बायर्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं और पर्टिकुलर यहाँ पर अगर 24,000 की बात करें तो यहाँ पर भी काफी सारे बायर्स की पोजीशन अपनी बढ़ रही, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पर अभी सेलर की पोजीशन तो बढ़ती हुई देखने को मिल रही, लेकिन धीरे धीरे बायर्स की पोजीशन भी यहाँ पर हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही। तो मार्केट में आप यहाँ पर ओवाई डाटा इस तरह से देख सकते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि मार्केट का ट्रेंड तो डाउन चल रहा है, तो डाउन ट्रेंड में आपको डायरेक्टली बाय करना है का बिल्कुल नहीं। मार्केट में आपको देखना है कि ऊपर से जो रेजिस्टेंस आ रहा है और नीचे से सपोर्ट आ रहा है, जब तक मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करे, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन ना करे, तब तक आपको कॉल साइड में एंट्री नहीं बनानी। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल से बता देता हूँ, ठीक है। आप जैसे मार्केट इसे ब्रेक करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सेलर यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर ये दोनों तीनों पोजिशन को जैसे मार्केट यहाँ पर ब्रेक करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर मार्केट जैसे ही ब्रेक करेगा, ब्रेक करके रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर जाएगा, तब आपको कॉल साइड में एंट्री बनानी है। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिनिमम जो टारगेट रखना है वो 50% से मार्केट रिजेक्शन होने की कोशिश करेगा। 50% यानी कि ये जो मूवमेंट आया था, यहाँ से जो मूवमेंट आया था, ये मूवमेंट 50% तक आने की कोशिश करेगा। 50% जैसे ही ब्रेकआउट करेगा तो फिर से एक बड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अभी काफी सारे लोगों को लग रहा है कि 50% कैसे हम आइडेंटिफाई करें, सिंपल है। यहाँ पर आपको एक टूल दिया गया है फिफ्थ रिट्रेसमेंट का, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है और हाई से लेकर लो को मार्क कर लेना है, यानी कि लो जो मार्केट ने कल के दिन जो लो बनाया था उससे हाई से लेकर लो तक मार्क कर लेना है। और जैसे 50% यहाँ पर आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, ये वाली 50%, तो जैसे ही 50% को मार्केट ब्रेक करेगा तो यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट हमने जो यहाँ पर लाइन बनाई है, ठीक है, ये जो 50% की लाइन है, जैसे ही मार्केट इसे ब्रेक करेगा, यहाँ पर रिटेस्ट करके आएगा और इसे ब्रेक करेगा, तब आपको कॉल साइड में एंट्री बनानी है और यहाँ पर आपको बड़ा सा टारगेट देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगा और रिकवर होने की कोशिश करेगा, और सेम उसी तरह से जब तक मार्केट इसे ऊपर की तरफ ब्रेक ना करे तब तक आपको कॉल साइड में एंट्री नहीं बनानी। और सेम उसी तरह से मार्केट का, अगर मार्केट में आप देखना, मार्केट अगर यहाँ से इसे नीचे ब्रेक करने की कोशिश करेगी, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, तो इस सपोर्ट को जैसे ही ब्रेक करेगा तो तुरंत आपको एंट्री नहीं बनानी है, थोड़ा फेक ब्रेकआउट भी करने की कोशिश कर सकता है। अगर इसका एक्चुअली में अगर इसका ब्रेकआउट करना होगा, ठीक है, इसका अगर ब्रेकआउट करना होगा तो सेम उसी तरह से आपको यहाँ पर रिटेस्ट करने देना। जैसे इसका ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके नीचे जाएगा, तब आपको एंट्री बनानी है। हो सकता है फ्लो फ्लो में आपका यहाँ पर मिस हो जाए, एकदम से मार्केट गिर जाए, लेकिन अगर आप सेफली यहाँ पर कोई भी ऑप्शन को बाय करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे बेस्ट होगा आपको रिटेस्ट करने देना। जैसे ही रिटेस्ट करके जाएगा तो यहाँ पर इसके हाई को मार्क कर लेना है लो को, और जैसे ही लो को ब्रेक करेगा तो तुरंत आपको यहाँ पर पुट साइड में एंट्री बना लेनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर ओआई डाटा प्लस प्राइस एक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है? सिंपल से आपको गूगल पे जाकर ट्रेडिंग टिक की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पर लाइव क्लिक कर देना है और जैसे लाइव क्लिक करोगे रिप्लाई को यहाँ पर क्लोज कर देना है। अब यहाँ पर देख सकते हो 190 के आसपास बायर्स बढ़ चुके, यानी कि बायर्स अपनी पोजिशन यहाँ पर कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे। यहाँ पर थोड़ा रिटेस्ट करके अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो यहाँ पर आप सेफली बाय कर सकते हो और यहाँ पर सेफली सेल कर सकते हो, दोनों तरफ आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो नो ट्रेडिंग जोन, यानी कि इस रेंज में जब तक मार्केट फंसा हुआ है तब तक आपको कॉल साइड में एंट्री भी नहीं बनानी है और पुट साइड में भी एंट्री नहीं बनानी, यहाँ पर जस्ट वेट करना है। और वेट करने के बाद कोई भी एक तरफ मार्केट का मोमेंटम आ गया तो यहाँ पर आपको जल्दबाजी में एंट्री नहीं बनानी है, ये बात हमेशा ध्यान में रखना। आपको रिटेस्ट करने के लिए मार्केट को आने देना है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ओआई डाटा का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो आप यहाँ पर कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बना दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।